सही बोल। अरे की एक बच्ची पड़ी हुई अवस्था में मिली है, बताया जा रहा है इस वजह से उस बच्ची के मुंह में कपड़ा टूटा गया था ताकि उसकी आवाज सुनकर कोई उसे बचाने का प्रयास ना करे। इससे स्पष्ट ये उम्मीद लगाई जा सकती है, समझा जा सकता है कि बच्ची के ही माता पिता ने उसे मरने के लिए शायद वहाँ पर छोड़ दिया था, क्योंकि अब वो बच्ची जिस वक्त वहाँ से कुछ ग्रामीण गुजरे और उनकी नजर घास में पड़ी हुई बच्ची पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत बच्ची को बचाना सोचा। वो बच्ची के पैर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बुरी हालत उस बच्ची की रही होगी। अभी देखो बच्ची जो है थोड़ी कमजोर है और उसको इन्फेक्शन है और हाथ पैर में स्किन में काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा इलाज दे रहे हैं। पूरी कोशिश है कि बच्ची जल्द स्वस्थ हो, पूरा विशेष ध्यान इस बच्ची का, पूरा प्रशासन का और शिशु रोग विशेषज्ञों का जो उसकी देख रेख कर रहे हैं पूरा रहेगा। देखिए बच्ची बहुत गंभीर परिस्थिति में यहाँ पे आई थी, जो कल उसकी स्थिति थी कल में और आज में जमीन आसमान का फ़र्क है। बच्ची कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा हमारे MY अस्पताल के अधीक्षक साहब से लेकर सारे डॉक्टर्स लोग उसके जांच में लगे हुए हैं और बच्ची की स्थिति तो कमज़ोरी है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लगातार 40 घंटे तक बरसते पानी में, क्योंकि दो दिन तक बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई यहाँ पर, वो जंगल क्षेत्र है तिनछा जहाँ से बच्ची मिली है, तो पूरी चमड़ी भी उसकी गली हुई है। उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन, उसकी सारी जांच हो रही है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे महाराजा यशवंतराव होलकर हॉस्पिटल के सारे उन डॉक्टर्स का, सारे उन प्रशासनिक लोगों का जिन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ कल से लेकर आज तक उस पूरी बच्ची में जान डालने का प्रयास किया। निश्चित रूप से वो खतरे से बाहर है लेकिन कमज़ोर है और उसकी कमज़ोरी ठीक हो इसलिए पूरी तरह से वो लगे हुए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको अच्छे से अच्छा इलाज दिया जाए और अच्छे से अच्छा इलाज उसका हो भी रहा है, क्योंकि कुछ नाम्स होते हैं, कुछ अपने संविधान होते हैं इन बातों को लेकर भी। कल जब मेरे मुझे इस बात की सूचना मिली, छोटे भाई को तत्काल मैं कहीं व्यस्त होने के कारण छोटे भाई को तत्काल वहाँ भेजा, लगातार कोऑर्डिनेशन में था। फिर मैंने बच्ची को देखा और उस समय मैंने कहा था और आज भी मैं इस बात को कहता हूँ कि अगर बच्ची प्रशासनिक रूप से, संवैधानिक रूप से अगर हमको दी जाती है, हम उसकी मांग करेंगे, उसको लेने का प्रयास करेंगे, उसका भरण पोषण करने का जिम्मा उठाने की बात मैंने कही है। और मेरा पूरा परिवार, जब उनको पता चला घर में जाकर कि ऐसी ऐसी घटना हुई, और मेरा तो पूरा परिवार भी मेरा खुश है। मेरी एक बेटी है, दूसरी बेटी ये भी, और दूसरा ये हमारा कर्तव्य, ये ईश्वर की बड़ी असीम कृपा और अनुकंपा है कि इस माध्यम से अगर वो बच्ची मिल जाती है, क्योंकि एक मासूम बेटी को इस तरह से, जिसने भी किया अमानवीय कृत्य है वो, और ये लेकिन भगवान की बड़ी लीला है और उनकी ईश्वर की ही कहीं ना कहीं ये आवश्यकता थी कि वो बेटी, बताइए 40 घंटे तक वो बेटी जीवित होने के बाद। अभी मैंने यहाँ पर भी और सारे लोगों से चर्चा की है इस मामले को लेकर, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता भी ये है कि उस बच्ची को ठीक से अच्छा किया जाए, उसका अच्छा इलाज हो। लगभग 14-15 दिन जैसे कि अभी यहाँ पर सारे डॉक्टर्स, हमारे थोड़ा साहब वगैरह जो भी लोग देख रहे हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि लगभग 14-15 दिन तो उसको नॉर्मल परिस्थिति में लाने में लगेंगे। उसके बाद जो होता है वो सारे के सारे संवैधानिक रूप से उस बेटी को लेने का काम, क्योंकि बेटी तो बेटी होती है, वो तो माँ जगदम्बा का रूप होती है, बेटी भवानी है, और कहीं जब वो इस परिस्थिति में 40 घंटे तक जब लड़ सकती है तो मुझे लगता है कि उसका भविष्य भी आगे आने वाले समय में इतना ज़बरदस्त होगा कि वो इस देश के लिए लड़ेगी, इस देश के लिए जिएगी और इस देश के लिए वो अपना सब कुछ समर्पित करेगी।